पुन्यार जाक, श्री प्रमोद जैन, श्री पुनीत जैन, विवेक विहार, दिल्ली। उपस्थित सच श्रद्धालु, स्वाध्याय के प्रति लगनशील आप सभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा महानुभाव, आज सम्यक दृष्टि के स्वरूप को हम लोग आगे और समझते हैं। कल हम लोगों ने अज्ञान मिथ्यात्व और सम्यक दृष्टि के स्वरूप की एक गाथा को समझा था। आज विद्यावसु श्रावकाचार इस ग्रंथ के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि के स्वरूप को और आगे विस्तार से समझने का यह सफल पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले 22वें नंबर की इस गाथा को यहाँ पर हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की विस्तार को समझेंगे। जीवादि सुतचेसु षड्द्रव्येषु पदत्तिकायेषु दयाजुत जिन धम्मे सड्ढावाणो हुसिद्धि। जीव आदि यानी जीवादि, सुतचेसु सुतत्वों में, षड्द्रव्येषु यानी षट द्रव्यों में, पदत्थिकायेषु इसमें दो लेंगे, पदत्थ और अत्थिकायेषु पदार्थ और अस्थिकायों में, दयाजुत दया से युक्त, जिन धर्म में, श्रद्धावानो जो श्रद्धावान है, हु वह निश्चय से सद्दिट्ठि सम्यक दृष्टि है। यहाँ पर आचार्य श्री ने अब और विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है कि जो जीव आदि सात तत्वों पर, जीव आदि सात तत्वों के बारे में आप जानते ही हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इन सात तत्वों का जैसा स्वरूप बताया, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन चेतना है तो उसको वैसे ही मानना, अजीव जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाए जाए उसे अजीव कहते हैं, आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, बंध आते आए हुए कर्मों का आत्म प्रदेशों से एक में खो जाना मिल जाना बंध कहलाता है, संवर आते हुए कर्मों के द्वारों को उसको रोक देना बंद कर देना वह संवर कहलाता है, निर्जरा कर्मों का आत्मा से एक देश क्षय हो जाना कुछ किंचित कदाचित अलग हो जाना निर्जरा कहलाती है, और मोक्ष आत्मा से समस्त कर्मों का अलग हो जाना आत्मा कर्म रहित हो जाना वह मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से ये सात तत्वों के बारे में हमने समझा, इन सात तत्वों पर जैसा है उनको वैसे ही श्रद्धान करना, फिर कहा षड्द्रव्येषु यानी छह द्रव्यों पर श्रद्धान करना, जीव द्रव्य क्या है, जो असंख्यात प्रदेशी है वह जीव द्रव्य, जो अनंतानंत है, जो जीव द्रव्य समस्त तीन लोक में ठसाठस भरे हैं, और फिर बताया पुद्गल जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वह पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में सहयोगी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं, अधर्म द्रव्य जो स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहराने में सहयोगी हो उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं, आकाश द्रव्य जो समस्त पदार्थों को समस्त पुद्गल आदि द्रव्यों को ठहरने का रहने का स्थान दे उसे अवकाश दे तो वह आकाश द्रव्य कहलाता है, और काल द्रव्य जो सभी द्रव्यों के परिवर्तन में सहयोगी होता है वह काल द्रव्य कहलाता है। इन छह द्रव्यों पर जैसा इनका स्वरूप है, इनका जैसा व्यक्तित्व है, जिनका अस्तित्व है, वैसे इनको स्वीकार करना, वैसे इनको मानना,
नव पदार्थ में 7 तत्व आते हैं और 2 पुण्य और पाप। 7 तत्वों के बारे में आपको बताया, 9 पदार्थों में पुण्य और पाप। पुण्य जो शुभ है वह पुण्य है और जो अशुभ है वह पाप है। तत्वार सूत्र में दिया है, शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, जो शुभ करता है उससे पुण्य मिलता है और जो अशुभ करता है उससे पाप आता है। इनको भी जानना। और पंच अस्तिकाए यानी ये 6 द्रव्यों में से अंतिम काल द्रव्य को छोड़कर शेष अस्थि जो रूप हैं वह पंच अस्तिकाए कहलाते हैं। काल अस्तिकाए नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र है। सबके अणु अलग अलग माने जाते हैं। प्रत्येक प्रदेश पर उसका परिवर्तन अलग अलग स्वतंत्र होता है। जैसे रत्नों का ढेर रखा हो और वह एक के ऊपर एक रखे हों, फिर भी एक साथ दिखने वाले वह रत्न का ढेर अलग अलग होते हैं, ऐसे ही काल का स्वरूप है। इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है, उसको जैसा स्वरूप दिया वैसा मानना। यहाँ पर इन 7 तत्वों, 6 द्रव्यों, 9 पदार्थ और पंच अस्थिकाय पे श्रद्धान करना और सबसे महत्वपूर्ण बात थी दया युक्त जिन धर्म पर। जिन धर्म कोई अपना नाम धर्म को बता दे जिन धर्म, तो उस धर्म को जिन धर्म नहीं स्वीकार किया जा सकता जिसमें जिनेंद्र देव हों, जिन्होंने जीवों पर उपकार के रूप दया से युक्त होकर धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी हो, जिन्होंने अहिंसा को ही अपना परम धर्म स्वीकार किया हो, अहिंसा के पालन करने की प्रेरणा दी हो, जिस अहिंसा को नॉन वायलेंस के स्वरूप में अंगीकार करते हुए महात्मा गांधी जी ने धर्म देश को आज़ादी दिलाई, जिस अहिंसा का पालन करते हुए अनेकों महात्माओं ने स्वयं को परमात्मा बनाया, उस अहिंसा से युक्त, दया से युक्त, करुणा से युक्त जिन धर्म में श्रद्धान करना, उस पर संदेह नहीं करना, उस पर अज्ञानता का भाव नहीं लाना और इतनी दृढ़ श्रद्धान रखना कि यदि मेरा कभी भी कल्याण होगा तो वह जिन धर्म के माध्यम से ही होगा, ऐसी भावना रखना, ऐसी श्रद्धा करना कि मुझे इन वीतरागी सच्चे हितोपदेशी भगवान के अलावा और कोई भी प्रतीत और प्रीति नहीं रखता, वह जिन धर्म ही सच्चा धर्म है, ऐसी अंतरंग में दृढ़ता रखना। वह उपसर्ग आदि आने पर भी अपने विचारों को नहीं परिवर्तित करता, वही श्रावक सच्चा सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग एक और गाथा के माध्यम से यहाँ पर सम्यक दृष्टि के स्वरूप को समझेंगे। गाथा नंबर 23, पहले इसका उच्चारण करते हैं। जे जीवा जीवाणम सुलक्षणम सरूपं च मन्नन्ते नियमेण अंतरप्पा ते धम्मी भेयवेन्नाणी। यहाँ पर अर्थ कहते हैं जे यानी जो, जीवा जीवाणम जीव और अजीव के, सुलक्षणम सुलक्षण स्वरूपम स्वरूप को, च और मन्नन्ते मानता है, जो जीव अजीव के सुलक्षण और स्वरूप को मानता है या मानते हैं क्योंकि मन्नन्ते है, ते यानी वे नियमेण नियम से अंतरप्पा अंतरात्मा धर्मी होते हैं। भे यानी भेद विन्नानी विज्ञानी, जो जीव और अजीव के सुलक्षण और स्वरूप को मानते हैं वे अंतरात्मा नियम से भेद विज्ञानी धर्मी होते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी बात को विस्तार से बताया। सम्यक दृष्टि के स्वरूप का वर्णन तो करते करते आचार्य महाराज ने हम लोगों को रस पिला दिया। कैसा मिठास भरा रस है, उन्होंने कितनी सरलता से कह दिया कि जो कितना आसान है सम्यक दर्शन हासिल करना, बोले ठीक इतना आसान कि जीव और अजीव ये दोनों अलग अलग हैं, इनके स्वरूप को समझ जाओ
आपका सम्यक दर्शन सुदृढ़ हो जाएगा और निश्चित ही ये चलते चलते शायिक अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा कहा कि जीव उसका लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना शुद्धता निष्कर्म अवस्था निर्दोष। और पुद्गल का सुलक्षण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होना। इनके स्वरूप क्या है? तो जीव का स्वरूप है मृत और जीवंत को देखकर उसमें जो जैसा स्वरूप है उसको स्वीकार कर लेना। जैसे मृत शरीर को देखकर कहना ये तो पुद्गल पड़ा है और जीवंतता को देखकर कहना ये जीव जो है कर्म से बंधा हुआ अशुद्ध अवस्था में हमें पुद्गल में बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो बैठा है वह जीव है और जो पुद्गल बाहर दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है। ये शरीर जो दिखाई दे रहा है वह पुद्गल है और शरीर के अंदर बैठा हुआ जो इसको चला रहा है, जिसके निमित्त से ये खा रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, वह जीव है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, वह तो एक ही होता है भैया, यहाँ पर शरीर और आत्मा कोई अलग अलग भेद नहीं है, जो दिख रहा है वही तो जीव है। बोले यदि ऐसी बात है तो मरने के बाद ये बोलता क्यों नहीं है, मरने के बाद ये खाता क्यों नहीं है, मरने के बाद ये चलता क्यों नहीं है? तो जो इसको चला रहा था, खिला रहा था या पिला रहा था वह जीव था। शुद्ध अवस्था में जीव भी कुछ खाता पीता बोलता नहीं है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में ये दोनों का जो संबंध हुआ उससे ये दोनों बोलते खालते खेलते दिख रहे हैं। यहाँ पर कहा आचार्य महाराज ने कि ये जीव और अजीव के सुलक्षण और स्वरूप को जो मान ले, पहचान ले, देखकर उसका आभास करे, बोध रहे, जो हमेशा ये बात को ध्यान रखे, ये भेद विज्ञान कि ये जीव अलग है और आत्मा, ये आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, तो वह सम्यक दर्शन के उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है जिससे आत्म कल्याण के मार्ग खुल जाते हैं। अब एक उदाहरण से समझें कि शिवभूति मुनि महाराज हुए, वह शिवभूति मुनि महाराज इतना ज्ञान की शोभशम से ग्रसित थे कि उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। 12 साल तक याद किया फिर भी नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ। फिर उनके गुरु ने भी समझाया कि चलो तुम इतना भी नहीं कर पाते तो इतना याद रखना, ये तुष्ट माश भिन्नम, ये देह अलग है और आत्मा अलग है। ठीक आहार के लिए निकल रहे थे, उसको याद करते जा रहे थे कि अचानक वह भी उतनी सी बात भूल गए। अब वो सोचते रहे कि आखिर वह क्या बात थी जो आचार्य महाराज ने सिखाई थी, वह भूल गए। रास्ते में उन्हें एक अम्मा दाल को और छिलके को अलग करती हुई दिखी। उन्होंने छोड़ा, पूछा अम्मा ये क्या करती हो, और अम्मा ने बताया मैं महाराज जी दाल और छिलके को अलग कर रही हूँ क्योंकि ये छिलका व्यर्थ है, दाल इसका ग्रहण करने योग्य है। बोले बस यही था इसका सार, वह तुष्माश भिन्नम इसको याद करते रहे और इसी में उपयोग लग गया, इतना ही याद हो गया, इतना ही उसमें अंतरंग आत्मा में उतर गए और उन्हें उसी क्षण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना सरल है केवल ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दृष्टि जीव बहुत सरलता से अपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे प्रकट कर लेता है, क्योंकि णमोकार मंत्र आदि जितना भी व्यवहार ज्ञान है ये हम लोगों को उस सम्यक दर्शन तक ले जाता है। ये बहिरंग लक्षण है, लेकिन अंतरंग लक्षण तुष्माश भिन्नम, ये आत्मा अलग और शरीर अलग की भेद विज्ञान जो हमारा बोध होता है यही सम्यक दर्शन को देने वाला है। और यह है ज्ञान क्रम से शिवभूति मुनि महाराज को केवल ज्ञान तक की सीढ़ी तक ले गया। इसलिए महानुभाव हम लोगों को इतना भी यदि बोध हो जाए कि शरीर अलग और आत्मा अलग है तो भी हम सम्यक दर्शन की उस पावन स्वर्णिम सीढ़ी पर अपना पांव रख लेते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा अंतरात्मा, अंतरात्मा वही है जो इस भेद विज्ञान को जानता है, अंतरात्मा वही होता है जो अंतर आत्मा को पहचानता है। बहिरात्मा जो बहिरंग के राग रंच में लगा रहता है, पुद्गल को देखने में आनंद लेता है, उसी में खुश होता है, सुखी मानता है, लेकिन अंतरात्मा उस भेद विज्ञान को जानकर
अपनी अंतरंग आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करता है और वही अंतरात्मा फिर क्रम से महात्मा और परमात्मा बन जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ कहा, वह नियम से भेद विज्ञानी धर्मात्मा जानना चाहिए। बहिरंग का धर्म ओढ़ने वाला व्यक्ति धार्मिक होता है और अंतरंग से धर्म को जो अंगीकार करता है, आत्म तत्व से जो अंगीकार करता है, वह जीव धर्मात्मा जानना चाहिए। ये बात को यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा। समय आपका पूर्णता को प्राप्त हुआ। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा दीतो दोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। पुण्यार्चक श्री प्रमोद जैन, श्री पुनीत जैन, विवेक विहार, दिल्ली। ज्ञानमय बातों को आत्मसात करने के लिए शिववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि शिववाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।